मेरठ पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक मोबाइल लूटने वाले ठक ठक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 लैपटॉप और राइफल बरामद किए हैं। मेरठ पुलिस द्वारा एक मोबाइल चोरी करके बेचने अभी तक की सूचना के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सामने आया है और इससे 280 मोबाइलें, 6 लैपटॉप और जो सरगना है उसका एक लाइसेंसी असला, एक गाड़ी बरामद हुई है और सरगना शरद गोस्वामी सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथ साथी अभी फरार चल रहे हैं। किसका तो कह नहीं है, जो विवेचना अभी तक की गई है उसके हिसाब से जिनका नेटवर्क विभिन्न राज्यों में जैसे कि कर्नाटका है, आंध्रा है, हरियाणा है, यूपी है, NCR है, मुंबई है, सभी जगह फैला है और ये मोबाइल चुरा कर या लूट कर जो छोटे छोटे जो इनके गैंग हैं वो लूट कर अपने सरगना को भेजता था। उसके बाद से वो सरगना मेरठ में बैठे शरद गोस्वामी को अपना व्हाट्सएप पे मोबाइल भेजता था और उसका जो मूल्य लगाने के बाद इसको फिर 100-100 के पैकेट लगा के बना के और मार्केट में भेजा जाता था। नेपाल, चाइना इत्यादि भेजे जाने की पुष्टि अभी तक हुई है और जिस तरह का सरगना का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा संपत्ति इनके पास वर्तमान में मौजूद है और इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी और अगर ये अवैध संपत्ति पाई जाएगी तो उस पर भी कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय लोगों की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इसके संबंध में दो कांस्टेबल जो मेरठ में हैं उनको निलंबित किया जा चुका है और एक सब इंस्पेक्टर जो सहारनपुर में है उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु सहारनपुर के पुलिस को लिखा गया है। उनके भी सहभागिता के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह बताना है कि जो मनोज प्रभाकर जो भारत के क्रिकेटर रहे हैं उनकी पत्नी का भी मोबाइल इस गिरोह में चोरी किया था जिसमें वांछित चल रहा था सरगना और इसके अतिरिक्त उनके वाइफ को दोबारा FIR दर्ज कराने के लिए जो धमकी दी गई थी वो भी इसके द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त नोएडा में 5वें महीने में एक मोबाइल का पूरा कंटेनर कंसाइनमेंट ही लूट लिया गया था, वो भी इसी गैंग के द्वारा किया गया और इस संबंध में एक SIP अलग से गठित की गई है। 100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस की पकड़ में कैसे आई है शादी, कैसे पहुंची पुलिस? अभी हम जैसा मैंने बताया कि 7 लोग गिरफ्तार हैं और 7 लोग बातचीत और जो पूछताछ में पता चला है कि इनका इस तरह से 4-4, 5-5 का गिरोह होता है, उनका एक छोटा सरगना होता है तो रीजनल चीज़ें वहाँ से आती हैं और ये चूंकि लंबी डॉक्यूमेंटेशन का मैटर है अभी तक हमारा ये अनुमान है। हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा भी हो, कुछ कम भी हो, तो जब समय लेंगे अभी हम सभी जो सरगना को पुलिस कस्टडी रिमांड में देंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा था गिरफ्तारी के बाद से, तो इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फिर आगे की कार्रवाई करेगी। ये सभी चीजें विवेचना का पहलू है और इसमें आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से। टीटी नवीन मैंने पहले ही बताया कि इनके पास से 280 टीटी, 6 लैपटॉप, महफूज है, अब तो हो गई लाइसेंसी असला जो इसने आपराधिक इतिहास छिपा के ऐप बनवाया था वो भी जब्त किया गया है और उसके निरस्ती करने की कार्रवाई भी कराई। सर, आरोपी वालों ने यहाँ के पुलिस वालों को भी बताने की कोशिश की इस मामले में, विवेचना में सभी पहलुओं की जांच। वेरी गुड।
ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बापू एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा मध्याह्न भोजन योजना में मेनू के आधार पर बने भोजन का स्वाद भी लिया गया। जहां देश भर में महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, तो वहीं कर्नाटक राज्य में बीदर जिले के औराद तालुके में सरकारी प्राथमिक दो स्कूलों में खोमनायक ताडा चिकली और वसराम नायक ताडा बिजलगांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती नहीं मनाई गई। सर हाँ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್। ಸರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿಗೆ ನಾನು ವರದಿ ತರ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿಗೆ। ಹೌದು ಸರ್। ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ವರದಿ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ। ಹೌದು ಸರ್। ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟರ ತಾಂಡ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡನಲ್ಲಿ ಈಗ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಗಳಿಗೆ ಭೀ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, 10 ದಿನ ಒಂದ್ ಬಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತಾರಂತ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಜನರು ಆರೋಪ ಇದೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಷನ್ ತಗೋ? ಬಾಯಿನ ಆರೋಪಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸರ್। ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೊಡಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಲಿಖಿತ ಕೊಡಕ್ ನಾವು ಲಿಖಿತ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಈಗ ಜನರು ಅಂತಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಜನರ ಆರೋಪ ನಾವು ಜನರು ಏನ್ ಅದೇ ಈಗ ಸಿಆರ್ಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದು ವರದಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಅದು ಜನರು ಹೇಳಿಂದು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿನೆ ವರದಿ ತಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ। ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಟುಡೇ 24 ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗೆ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ। ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। सरकार द्वारा सब्जी मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया है, इसी के विरोध में यूपी की सभी सब्जी मंडी व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जिससे जहां लोग सब्जी नहीं मिलने से परेशान हैं, तो वहीं किसान अपनी सब्जियों को नगर की नई मंडी गेट के सामने सड़कों पर रखकर बेचने को मजबूर है। सरकार ने मंडियों को जो ऑनलाइन करने का सिस्टम उठाया है, इसलिए जो ये हड़ताल कर दी गई है मंडी में और मजबूरी में किसानों को सड़क पे अपना सामान बेचना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम देवेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हूँ? जहीराबाद। क्या बेचने आए हो आप? ये तो लाई और पालक गोभी। महोबा जिले के ग्राम पसवारा में रात्रि में बारिश के चलते एक मकान धराशायी हो गया, इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई। जानकारी के बाद भी अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई सुविधा मिली है। सहसवान में रामलीला के शुभ अवसर पर हवन पूजन किया गया, उसके बाद एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा को रामलीला मैदान के अध्यक्ष तनुज माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाई। रामलीला का उद्घाटन SDM द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रशासन की ओर से इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसमें रामलीला के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री और युवा मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद रहे। शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा ये रामलीला का मंथन? आज से शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर तक चलेगा। दशहरा वाले दिन ही इस बार हम रावण मारेंगे और 9 तारीख का हमारे यहाँ माता रानी का जगराता भी, और आज 2 बजे से माँ गणेश शोभा यात्रा भी हम विधि विधान की तरह पूजन वगैरह करके निकालेंगे। विधि विधान आज रामलीला का विधि विधान पूजन के साथ रामलीला का उद्घाटन किया गया है और उसका उद्घाटन माननीय SDM साहब संजय सिंह जी करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर सयाना चौपाल स्थित फ्लाईओवर पर लगे डगामार वाहनों तथा रोडवेज के जमावड़े की वजह से मेरठ और सयाना जाने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मौजूद हैं हम गढ़मुक्तेश्वर के सयाना चौपाल पर, जो फ्लाईओवर के नीचे है, जहां डगामार वाहनों का पूरी तरह जमावड़ा रहता है। यहाँ यात्रियों का निकलना भी बड़ा दुश्वार रहता है। यहाँ आए दिन छेड़खानी जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जहाँ पुलिस प्रशासन बड़े बड़े दावे ठोक रहा है, परिवहन विभाग बड़े बड़े दावे ठोक रहा है कि डग्गा मार पर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ यहाँ एक जगह एक जमावड़ा आप कैमरे से देख सकते हैं, आप पीछे
की तरफ ये डग्गा मार वाहन खड़े हुए हैं जो पूरी तरह सवारियों का निकलना तो निकलना यात्रियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, जिसका पुलिस प्रशासन या किसी परिवहन विभाग के अधिकारी ने आज तक इधर सुध नहीं की है। मैं अर्शद चौधरी, हापुड़। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आखिरी चरण में यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी क्लेन डीपी राणा के दिशा निर्देश में बलिया जिले के 14 कॉलेजों में एनसीसी के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता के ऊपर वाद विवाद करके तथा पेंटिंग प्रदर्शनी लगाकर आम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैडेट ने इस वाद विवाद तथा पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए आम जनमानस को स्वच्छता का संदेश दिया। एक पर्ची बता दीजिए, क्या नाम पड़ेगा, कहाँ कराना, क्या? मैं कैडेट विश्वजीत सिंह 90 UPBN NCC बलिया का छात्र हूँ। जी आज किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं? जी आज 2 अक्टूबर यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, और जो कि 150वां जन्म दिवस है, जिसके अवसर पर यहाँ हमारे NCC बटालियन में 2 प्रतियोगिता, एक डिबेट प्रतियोगिता, एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। डिबेट प्रतियोगिता में लोगों को क्या संदेश देंगे, अपने छोटे भाइयों को क्या संदेश देंगे, देश को क्या संदेश देंगे? डिबेट प्रतियोगिता आज ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट, तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट चाहे जो कुछ भी हो, हमें सिर्फ इतना दायित्व तो हमारा बनता है कि हम खुद से स्टार्ट करें, जो कि एक पुरानी कहावत है कि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। हम अगर अपने से स्टार्ट करते हैं स्वच्छता के इस पखवाड़े में, हम शुरुआत करते हैं अपने चारों ओर, अगर सुरक्षा को अपनाते हैं स्वच्छता को, तो उसके बाद से समाज में स्वच्छता अपनाई जाएगी, उसके बाद से पूरा देश एक सूत्र में पिरो जाएगा। जी NCC के क्या उद्देश्य है, आपने ज्वाइन किस लिए किया था? NCC की जो कि मूल उद्देश्य है एकता और अनुशासन, चूँकि मैं NCC कैडेट हूँ और मैंने इसे इस कारण से ज्वाइन किया हूँ कि जो मुझे इससे जो कई प्रकार के फायदे होते हैं, एक तो मुझे एक बेटर चरित्रवान व्यक्ति बनने में ये NCC सहायता प्रदान करती है, दूसरा हमें रोजगार के अवसर मुहैया कराती है। बता दीजिए, मेरा नाम रिया वर्मा, 90 UP बटालियन बलिया NCC से है। जी आज किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर डिबेट और पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित है। जी इस मौके पर क्या संदेश देंगे हम? इस मौके पर हम यही संदेश देंगे कि हम सब पहले स्वयं से, फिर समाज और फिर देश, सबको साथ लेकर के आगे चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अपना एक पर्चे बता दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट अखिलेश प्रसाद, मैं SMTD कॉलेज में NO। जी आज किस प्रकार कार्यक्रम चल रहा है NCC में? ये गांधी जयंती की 150वीं जयंती पे NCC द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, तो आज की तिथि में उसको ध्यान में रखते हुए एक डिबेट और पेंटिंग कंपटीशन रखी गई है। जी इस मौके पर बच्चे के माध्यम से उनके अभिभावक को क्या संदेश देंगे? ये पेंटिंग और डिबेट रखने का उद्देश्य यही है कि बच्चों में एक जागरूकता उनके बीच में कैसी है, वो कितना अपने देश के प्रति और समाज के प्रति स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं, तो एक डिबेट है, तो बच्चे लोग को ऊपर रखा गया है कि आपस में ये एक डिबेट करें, जिससे ये पता चले कि ये समाज के बारे में कितना आप उनको जागरूक कर सकते हैं।